हमारे केसीआर साहब जो सोच के चल रहे हैं, आप लोगों को हम दिल में रख के चलेंगे, आप लोगों के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हम केसीआर साहब के नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी, टीआरएस पार्टी का मैं इंचार्ज हूँ। एक आंख अगर हिंदू है तो एक आंख आप मुसलमान हैं। मेरे नौजवान साथी और खवातीन, आप लोग जो दावा दे रहे हैं, आप लोग जो टीआरएस पार्टी को जो आज के सियासी तारीख में, मैं आपको जान देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। हुए आजकल खुसरो भाई, हमारे लड्डू भाई, ऐसे लोगों के ऊपर तवज्जो दे रही पार्टी। आप लोग कोई डरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सरकार अपनी है, हुकूमत अपनी है, इंचार्ज तुम्हारा भाई है। आप झंडा ऐसी लहराते रहिए, आपके साथ हम रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिन सनाकू डिवीजन प्रेसिडेंट कहीं को दिए, 100 गिदड़ों के बीच में एक शेरनी होना जरूरी है, इसलिए गिदड़ों को बाजू रख के सना को वापस सदर बनाया और उसी तरीके से काम कर रहे। शरीफ भाई है, अजीम भाई है, खासकर अजीम भाई के बारे में अगर मैं कुछ भी बोला तो बहुत कम है। आप काम कर रहे हैं, एमएलए सताए तो आप काम कर रहे हैं, एमएलए के जो चमचे रहते हैं उन लोगों को रोज धमकियां देते हुए उन लोगों को काम कर रहे हैं, आप अवाम का काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ दुआ करिए, अगर कावरी वेंकटेश साहब को कुछ चेयरमैन आ गया तो डोली चौकी नाना नगर गोलकुंडा में पहला दौरा बच कर, क्योंकि वो जरूरी है। पहलवान को मैं डिवीजन प्रेसिडेंट बनाया शरीफ भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि मुस्लिम एरिए में, महिला के एरिए में दूसरी पार्टी को काम करना बहुत मुश्किल की बात, फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं। मैं टीआरएस पार्टी की तरफ से, टीआरएस पार्टी की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं दिल के अंदर कह रहा हूं उनसे, महिला की जो सबसे ज्यादा कोई पार्टी नहीं ली आज तक, मजलिस पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी 250 वोटों से ज्यादा नहीं ली, लेकिन अजीम भाई सदर रहने के बाद, सदर बनने के बाद टीआरएस पार्टी 7800 वोट, ये कोई मामूली बात नहीं है। उनकी मेहनत रंग लाई, कभी कभी गुस्से में आते उन्होंने मेरे ऊपर, क्योंकि बड़ा भाई हूँ मैं, घर का बड़ा हूँ, आप लोग नाराज रहने से मैं कुछ भी नहीं समझता। मेरा फर्ज है आप लोगों को लेके चलना, क्योंकि आप अगर गाली भी दे रहे तो मेरे को सुनना है, अगर मैं ना सुना तो मैं काशी की जो मीटिंग थी आज सबके जो हाँ उनसे सक्सेस हुई। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में जो माइनॉरिटी खवातीन और नौजवान भाई आए, उन लोग को खुल के काम करना है, किसी भी ताकत से डरना नहीं है, कोई पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को यहाँ पे मजबूत करना है। टीआरएस पार्टी आज बहुत आगे जा रही है, केसीआर साहब के जेर क़यादत में कारवान में टीआरएस पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, माइनॉरिटीज माँ और बहनों का और नौजवान साथियों का जो ताउन है टीआरएस पार्टी को आज तारीफ के काबिल है। टीआरएस पार्टी आज मजबूत होते जा रही है, तो अपोजिशन पार्टी के दिलों में डर और खौफ बढ़ रहा है। मैं नौजवान साथियों को हिम्मत और दिलासा ये दिलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुल के काम करो, हम आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, इंशाल्लाह आपको कोई धक्का नहीं लगेगा, टीआरएस पार्टी आपके साथ है, टीआरएस पार्टी आपको ताउन में है। ये जो जिस तरह से जो मीटिंग हुई, ये किस बारे में मीटिंग थी? टीआरएस पार्टी में जो पुराने कारकुन हैं, जो एजुटेशन में काम करें, आने वाले दिनों में जो नॉमिनेटेड पोस्ट देने वाले हैं, वो नॉमिनेटेड पोस्ट पहले जो